किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका अपना एग्रो गुरु विश्वजीत शर्मा आपके बीच में, आपके अपने चैनल श्री ऑर्गेनिक फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हों, अगर आपको लगता है मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं और आपको वो जानकारी दे रहा हूं जो आप जानना चाह रहे हैं, तो मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वो वीडियो तत्काल मिलते रहें और आप भी उसका लाभ लेते रहें और अपने अपनों तक भी वो लाभ पहुंचा सकें। जैसा कि हमारे पास इस समय सबसे बड़ी समस्या के रूप में आ रही हैं टिड्डियां। अब टिड्डियां होती क्या है, इनका जीवन चक्र कैसा होता है, थोड़ा सा उसके विषय में जानेंगे। अब सबसे पहली चीज जो मैं बार बार कहता हूँ, रसायन को हमें किसी ना किसी रूप में यहाँ से खत्म करना है। अगर नहीं खत्म किया तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा खेत बिल्कुल भी खराब हो जाएगा। टिड्डियों को समझने से पहले हम टिड्डियों का जीवन चक्र के विषय में जान लें। जो ये टिड्डियां होती हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में होती हैं, 4 से 5 करोड़ तक इनकी संख्या एक झुंड में हो सकती है और ये बहुत बड़े एरिया को ये चट कर जाती हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि जो इनका प्रॉन होता है वो यहाँ सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा देता है और पूरी पूरी फसल को ये खत्म कर देते हैं। इनके अंडे 20 दिन के अंदर फूटते हैं और वो वातावरण के अनुसार अलग अलग प्ररूपों में आती हैं और अलग अलग प्ररूपों में इनके अंडे फूटते हैं। और इनके अंडे फूटने से रोकना बहुत जरूरी है, वो क्यों मैं अभी आगे बताऊंगा। इनकी जो मादा कीट होती है वो 1500 तक अंडे एक दिन में दे सकती है, यानी जहां भी ये जाएंगी अपनी संख्या को 2 गुना 3 गुना 3200 गुना 3200 गुना, यानी इतनी बड़ी संख्या में ये बढ़ाती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इनको फसलों का आतंकवादी भी कहा जाता है। अक्सर कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि फसलों का आतंकवादी किन्हें कहा जाता है, वो टिड्डों को ही फसलों का आतंकवादी कहा जाता है और ये बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में आती हैं। टिड्डी दल का जो हमला होता है, देखते हैं, एक अंडे से पैदा होकर पंखों वाले टिड्डों में तब्दील हो जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे टिड्डियां आती हैं, और एक औसत टिड्डी दल एक बार में 2500 लोगों का पेट भरने लायक अनाज को खा जाती है। इतना अनाज ये खाती है, यानी 10-20 हाथी के बराबर ये अकेला एक समय खा सकती है, इतना इनके खाने की क्षमता होती है और ये भरपूर मात्रा में खाती हैं। ज्यादातर इनका जो अंडा देने का समय होता है वो मानसून शुरू होने के समय होता है या जब बारिश हो जाती है रेगिस्तान क्षेत्र में, तब होता है। जैसे इस समय इनका अनुकूल वातावरण था, रेगिस्तानी एरियाज में, जो भी कंट्रीज में रेगिस्तान है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और अच्छी नमी वहां रही और ये रेतीली भूमियों में अंडे देती हैं। मादा अपने अंडरोपक के द्वारा वो अंडों को रोपित करती हैं और उसमें से प्रौण निकलते हैं, बच्चे फूट कर निकलते हैं, जिससे प्रौण अवस्था में जाते हैं और उड़ करके ही वो मैथुन क्रिया करते हैं, जिसके पश्चात वो अंडे देती है। अब टिड्डी दल की विशेषता क्या होती है, सबसे पहले जानते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार टिड्डी कीट का आकार 2 से 2.5 इंच होता है और ये 200 किलोमीटर की रफ्तार एक दिन में तय कर सकती है। अगर ये लगातार उड़ेंगी तो 200 किलोमीटर का दायरा निकालती है। और अगर बात करें तो ये टिड्डियां अपने वजन से अधिक भोजन करती है, 15 किलोमीटर तक की इनकी रफ्तार होती है जिस रफ्तार से ये उड़ती हैं, और इनकी संख्या हमेशा करोड़ों में होती है और ये 3 से 5 किलोमीटर तक एक झुंड में हो सकती हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या होती है और उस एरिया को पूरा सफा चट कर जाती जहां भी ये बैठती हैं। अब बात करते हैं फसलों के लिए खतरा बना जो टिड्डी दल है उसमें कौन कौन सी हमें चीजों पर सावधानियां रखनी है। आप इनको आराम से स्नैपशॉट लेकर के देख करके पढ़ सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, जब ये अंडा दे रही हो उस समय इनको आसानी से पकड़ा जा सकता है या मारा जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी चीज, बहुत ज्यादा शोर करना, जैसे डीजे बजाना हुआ, साउंड करना हुआ, ढपली बजाना हुआ, थाली बजाना हुआ, शंख बजाना हुआ, जितनी ध्वनि आप कर सकते हैं आप जरूर करिए, वरना ये जहां भी बैठ जाएंगी वहां का खेत समाप्त कर जाएंगी। अब इनके जो बचाव के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो इनकी दुनिया में जो खतरनाक जो बचाव के लिए जो इनके उपाय करने के लिए होता है, उन बचावों को हमें अपनाना होगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो कीट है ये दुनिया का सबसे खतरनाक कीट है और ये कीट की आकृति में सबसे बड़ा कीट है। हम लोग पढ़ने और पढ़ाने में भी इसी कीट की मदद लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा घातक रूप से हमारे सामने आता है। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे कहा था कि अंडे देते समय टिड्डियों को काबू करना आसान होता है, अंडे से बच्चे निकलते ही नष्ट करने को टाला जा सकता है इनका खतरा, क्योंकि एक बार अंडा अगर फूटना शुरू हो गए तो इनकी संख्या कितनी बड़ी होगी ये समझ में नहीं आ सकता। और इनको फंसाने के लिए ट्रैप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, विषैला चारा फैलाया जा सकता है जहां पर खतरा हो, इनके आने की संभावनाएं हो, ताकि ये उस चारे को खाएं और वहीं पर मर जाएं। और जिस स्थान पर ये बैठ जाएं वहां मिट्टी के तेल का स्प्रे लाभकारी भी होता है अगर पानी में घोल कर डाला जाए, बट वो फसलों के लिए नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन अगर ये टिड्डी दल ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां फसल नहीं है, तो वहां मिट्टी तेल का स्प्रे पानी में घोल करके आप करें
तो बहुत लाभकारी होता है और ये जड़ से खत्म हो जाती हैं। इनके अंडों को समाप्त करना बहुत जरूरी होता है। हमारी ऑर्गेनिक दवा में इनका इलाज संभव है, कुछ हद तक हम इन्हें रोक सकते हैं, जिसके लिए हमें सुंडी गार्ड 2 ml, व्हाइट फ्लाई गार्ड 2 ml और 0.33 ml प्लांट अट्रैक्शन पर लीटर की दर से यदि हम स्प्रे करेंगे तो इन कीटों पे प्रकोप पाया जा जो प्रकोप हो रहा है उसको थोड़ी समय के लिए रोका जा सकता है या इनसे निजात पाया जा सकता है। इनके अंडे से जब फूटकर बच्चे निकलेंगे तो उन्हें हम खत्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, जानकारी अच्छी हो, तो इसे अपने अपनों तक जरूर भेजिए। मेरी वेबसाइट, मेरा कस्टमर केयर नंबर आपके स्वागत में हमेशा लगा हुआ है। आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी निदान पाने हैं, आप मुझ तक जरूर संपर्क करें। अपने फसल से संबंधित समस्या को फोटो खींचकर इस पर व्हाट्सएप जरूर करिए। जितना हो सकेगा, जैसा हो सकेगा, हम टेक्निकल सपोर्ट आपके साथ देते रहेंगे, बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।